अमरनाथ का ट्रैक शुरू हो गया है। आज मैं और गोविंद भाई कश्मीर गेट से निकल चुके हैं और अभी निकले हम ये उत्तराखंड रोडवेज की बस से कोटद्वार तक। कोटद्वार से आगे की यात्रा फिर आगे शुरू करेंगे। कोटद्वार में चाय पीना चाहें, कॉफ़ी पीना चाहो, कॉफ़ी मजे लेना, कॉफ़ी मजे लेना चाहो, चलो लिया लिया फिर हैं टांगने वैसे हैं। काली देवी मंदिर के पास जय माता की। यह है धारी देवी का प्रवेश द्वार। ये रुद्रनाथ का गोपीनाथ मंदिर है। सर्दियों में रुद्रनाथ की डोली यहीं पर मना जाती है और 6 माह यहीं पर प्रवास होता है। ये सगर गांव है जहां से रुद्रनाथ के लिए जाया जाता है और ये समुद्र तल से 1670 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये रुद्रनाथ का ट्रैक शुरू हो चुका है और हम लोग चल पड़े यहां से अपनी पर्ची कटवा के शुल्क जमा करके। मैं मेरे साथ में है गोविंदान सुंदयाल और आशीष भाई। रुद्रनाथ के लिए निकल चुके हैं, अभी सुबह के 6 बज रहे हैं। हाँ जी भाई जी, कल लग रहा चलो चलो तो ट्रैक शुरू हो गया है। सगर गांव से 1.5 किलोमीटर चल चुके हैं। ये यहाँ पर गांव समाप्त हो गया है और यहाँ तक पूरा पक्का मार्ग है। ये है चंद्रकोटी। ये लगे हुए रास्ते गोविंद भाई आगे से आशीष भाई जा रहे हैं। बड़ा शानदार रास्ता है, बिल्कुल पीड़ू के बीच से। बहुत सारे लोग जाते हुए, पूरे जंगल के बीच से रास्ता है। आशीष भाई बहुत आगे चले चुके हैं। ये करीब 4 किलोमीटर चलकर हम लोग जो है कुंभग्याल पहुंच चुके हैं। यह करीब 2255 मीटर की ऊंचाई पर है और यहाँ पर खाने पीने के लिए और रुकने की व्यवस्था है। बहुत सारे लोग जो कि ज़्यादा नहीं चल पाते तो पहले दिन यहाँ तक पहुंच सकते हैं। अभी टाइम कितना? अभी हम पहुंच गए हैं करीब 7.5 किलोमीटर। एक और भाई मिल गए हैं अपने ही पहाड़ के हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? एकांश रावत। एकांश रावत, ये भी हमारी रावत जी हैं, पौड़ी के ही हैं ये भी। चलो जी, कॉलेज के महादेव। और ये भी आज रुद्रनाथ दर्शन के निकले हुए हैं। रास्ते में सफर के साथी बने हुए हमारे हमारे मित्र आशीष सुंदयाल तो बहुत आगे पहुंच गए, करीब 15 पहुंच गए होंगे अब तक। वो बहुत स्पीड से जा रहे हैं, हम लोग धीरे धीरे लगे हुए हैं। वो वाला पहाड़ दिखा दे, और शानदार पहाड़ है। पीछे पीछे दिख रहा होगा कोहरा आ रहा है। बस ये कोहरे तक अगर हम पहुंच गए तो इसके बाद लगभग धारदार का रास्ता है। तो जब भी रुद्रनाथ आने हो एक दो लोगों को जरूर लाए रास्ते में, बात करते करते रास्ता सही से निकल जाएगा। हर हर महादेव। ये मौलिक हर्क है, यहाँ पे रुकने की व्यवस्था है।
थकान आ जाए और रुकना चाहे तो यहाँ पे रुक सकते हैं। यहाँ से अभी काफ़ी है, यहाँ तक लगातार चढ़ाई है। खाने पीने का कुछ सामान चाहिए तो यहाँ से खरीद लीजिए, क्योंकि ऊपर फिर मुश्किल से ही मिल पाता है, तो हो सके तो यहीं से अपने लिए खाने पीने का सामान ले लें और ऊपर आगे जाके बना के खा लीजिए। कोहरा लग गया पूरा, नीचे आधा रास्ता आ गए हैं। हेलो, और भी हमारे यात्री में नीचे आ रहे हैं, पूरा कोहरा लग गया रास्ते पे, कोहरा इतना घना हो गया और हमें भी थकान आ गई है। ये हम लोग ल्यूटी बुगाल पहुंच चुके हैं, क्या समुद्र तल से करीब 3200 मीटर की ऊंचाई पर है। यहाँ पर भी रुकने के लिए व्यवस्था है और खाने पीने की व्यवस्था है, तो यहीं पर हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले जो है लंच किया था, अब हम आगे निकल रहे हैं। ये फूल क्या है, एक येलो कलर का, ब्लू कलर का, एक रेड कलर का है और ये वाइट कलर का है। पूरे बुग्याल में कोहरा हो रखा है दूर। आगे पनार बुग्याल पे, ये यहाँ पे भी एक कैंप है रुकने के लिए। पूरा कोहरा हो रहा है रास्ते पे, नीचे से रास्ता पूरा नीचे। पनार है, पनार बुग्याल, बड़ा ही शानदार व्यू है। यहाँ से जाएंगे पितरधार, पूरा रास्ता जा रहा है रुद्रनाथ की तरफ। अब यहाँ से अगला स्टेशन है पितरधार। बड़े ही खूबसूरत पहाड़ हैं, कुछ देवदार के वृक्ष दिख रहे हैं ऊंचाई वाली जगहों पर। नीचे की तरफ पूरे बांज और बुरांस के पेड़ थे, और ये नीचे बड़े ही अच्छे बुग्याल दिख रहे हैं। दूर कहीं कुछ गांव नज़र आ रहे हैं, और ये इधर पूरा शानदार नज़ारा है। पनार बुग्याल बड़ा ही खूबसूरत जगह है। पितरधार की तरफ बढ़ रहे हैं, काफ़ी लोग हैं पीछे से आ रहे हैं, गोविंद भाई जी, और पीछे काफ़ी लोग आ रहे हैं, अभी सारे वापस आने वाले हैं, और लगता है आज शाम तक वहां तक जाने वाले हम ही लोग हैं, क्योंकि पीछे दूर तक कोई नहीं दिखाई दे रहा है। तो बोलो रुद्रनाथ भगवान की जय। ये चल रहे हैं, आगे है पितरधार, पितरधार में यहाँ पे छोटा सा मंदिर है, यहाँ पे एक टीका कर लेते हैं। ये पितरधार है, पूरा इधर नीचे को दिख रहा है। इधर साइड में पूरा अच्छा मौसम है, जबकि दूसरी तरफ पूरा कोहरा लगा हुआ है, बहुत थकान आ गई है। धार से आगे के लिए बढ़ चले हैं, 4:30 हो रहा है समय अभी। पीछे बर्फ भी दिखाई दे रही है, पीछे बर्फीले पहाड़ दिख रहे हैं और बादल भी हमसे नीचे कुछ बादल बनते हुए। ये छोटा सा पिंक बुरांस का पेड़ दिख रहा है यहाँ पे छोटा सा, और नीचे पूरी धार है। यहाँ नीचे कुछ
भेड़ बकरी चरवाहे दिखे हैं। आगे फिर बुग्याल है, थोड़ा रास्ता इजी है, कुछ और लोग भी जा रहे हैं। ये देवदर्शनी है, यहाँ से सामने रुद्रनाथ जी के दर्शन होते हैं। यहाँ से 2 किलोमीटर है यहाँ से सामने। पीछे कोहरा दिख रहा है, घना कोहरा, वहीं घने कोहरे के बीच में रुद्रनाथ जी हैं, तो अगर मौसम साफ होता तो यहाँ से साफ दिखाई देता है। पूरा कोहरा हो रखा है इस टाइम मौसम, थोड़ा सा प्रकृति भी अपने अलग अलग रूप दिखा रही है। पंछी दिखाई दे रहा है, कोई बम बोले। पहुंच चुके हैं लगभग, ये होटल्स वगैरह शुरू हो गए हैं, तो मंदिर के करीब एकदम पहुंच गए हैं। काफ़ी कोहरा है, पीछे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। गोविंद जी कैसे लग रहा है? बढ़िया। हर हर महादेव। ठंड बहुत है। ठंड बहुत है, बिल्कुल। चलो ठीक है, मंदिर का गेट आ गया है, बिल्कुल हम बुग्याल हैं, सामने स्टे हैं। रुद्रनाथ के धाम में पहुंच चुके हैं हम लोग, पूरे करीब 11 से 12 घंटे करीब लगे हैं। रुद्रनाथ जी की आरती हो रही, तेरी डूबण एक और बुग्याल है, ये पंच गंगा है, 5 धारे हैं जगह जगह पे अलग। आशीष भाई ने तो नहा भी लिया है सुबह सुबह। कोली का
गणेश आए देना होया मोरी का नारायण आए बड़ा ही शानदार मौसम हो रखा है ये कम रखो रखो खाए खाए नहीं तुमने ला लो ये बिस्कुट खाइए तीन लो जी भाई जी कल लगन था नाई के बहुत बढ़िया है बहुत बढ़िया लगन जी सुबह सुबह आत्मतृप्त हो यहां आत्मतृप्त हो गई ठंड नहीं यार ठंड नहीं है ठंड लगन ठंड बस बाकी लगन चलो तुम तो हिम्मत ख्याल नाना की हम तुम कैसे आई की चलो कोई है ना चला एक मिनट वापस की तरफ बढ़ रहे हैं पितृधार की तरफ पूरा पीछे को रहा है अभी हल्का सा मौसम खुल गया है थोड़ी देर पहले तो सिर्फ 10 मीटर की विजिबिलिटी थी ये हमारे मित्र पर वापस लौटे हुए पितृधार से नीचे उतर रहे हैं एक बार फिर पूरा कोहरा लग गया है ये है पनार बुग्याल पुलिस की चौकी है यहाँ पे भी वेरिफिकेशन होता है इधर से भी एक रास्ता है कुंजो गांव से ये यहाँ से दो रास्ते हैं एक इधर सगर की तरफ से आ रहे हैं और एक इधर जो है कुंजा गांव की तरफ से कुछ यात्री जा रहे हैं उधर की तरफ भी बड़ी शानदार जगह है इधर थोड़ा मौसम खुला है काफी बीच में है पितृधार से आगे और बड़ा ही शानदार जगह है ये वापस हम सगर गांव पहुंच चुके हैं बस कुछ ही देर में सड़क आने वाली है पहुंच गए हैं ऋषिकेश